हेलो एवरी वन एंड अम वेलकम टू शिक्षा दिस इज वीडियो ऑन एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट आठ कर चुके हैं हम इसका ये नाइन्थ पार्ट है एंड फाइव क्वेश्चन हम कवर करते हैं एक पार्ट के अंदर ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि घुमा फिरा करके आप देखोगे इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं तो अगर पिछले नौ दस साल के किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और कुछ बच्चे अभी आजकल ये पूछ रहे हैं कि सर आई बी के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम कैसे करें देखो अगर आपका सिलेबस हो चुका है आप तैयारी कर चुके हो आपको लग रहा है कि यार मुझे क्या रिविजन करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से रिवाइज करना होता है देखो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन देखा उसका आंसर देख लिया चलो आगे क्या वो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि क्या उसका जो आंसर है उसके पीछे आपको रीजन पता है क्या है या बस आपने तुक्का लगा लिया या रट्टा मार लिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का ये जवाब है बस रट्टा मार लिया तो फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ खास हेल्पफुल है नहीं फिर वो सिर्फ उतने हेल्पफुल होंगे कि यार आपका सिमिलर क्वेश्चन अगर पेपर में बाय लक आ गया और आपने रट्टा लगाया हुआ तो होगा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तब फायदा जब उसका आंसर के साथ साथ आपने उसकी डिटेल को भी समझा है तब उसका कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि उसी डिटेल के अंदर से वो फर्दर क्वेश्चन बना देते हैं है ना ऐसा हम हर साल देखते हैं तो क्विकली स्टार्ट एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट ये 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स बार बार बोल रहा हूँ ले लो आईबीपीएसओ वाले बच्चे स्पेशली 50 परसेंट ऑफ चल रहा है तीन सौ रुपए में कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा लेकिन अल्टीमेटली काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को ये चलो जी अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इन द कलर चार्ट ऑफ डिफरेंट डायमीटर क्लासेस ऑफ ट्रीज विच क्लास हैज नो कलर चार्ट तो बेसिकली क्या होता है ट्रीज की डायमीटर जो उनकी ट्रंक की विथ वगैरह है वो मेजर करने के लिए ये कलर चार्ट यूज किया जाता है तो हर जो डायमीटर है उसको अलग अलग कलर एलोकेट किया हुआ है इस चार्ट के अंदर एक ऐसा डायमेंशन है या एक ऐसा डायमीटर है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है ठीक है वो कलरलेस है यानी कि ब्लैंक है ठीक है तो ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस डायमीटर के अंदर कोई कलर नहीं है यानी कि वो ब्लैंक है ब्लैंक और ब्लैक के अंदर फर्क होता है ठीक है ये ब्लैंक है कलरलेस है ओके तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा अब देखो इसके अंदर से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर वो बनाना चाहे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जीरो टू ट्वेंटी सेंटीमीटर जीरो टू ट्वेंटी सेंटीमीटर जो है वो कलरलेस होता है ब्लैंक होता है ठीक है सिमिलरली वो पूछ सकता था ग्रीन कलर कलर चार्ट में किस डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है तो वो ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर बी हो जाता है उस केस में अगर आंसर अगर यहाँ पर मैंने नो कलर की जगह ग्रीन लिख दिया होता ठीक है ग्रीन की जगह अगर मैंने रेड लिख दिया होता तो थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर आंसर हो जाता येलो लिख दिया होता तो फोर्टी टू फिफ्टी सेंटीमीटर आंसर हो जाता ब्लैक लिख दिया होता तो फिफ्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर आंसर हो जाता ठीक है व्हाइट का सिक्सटी टू सेवेंटी सेंटीमीटर है और ब्लू का सेवेंटी सेंटीमीटर एंड अबव है तो ये थोड़ा सा कलर आपको याद रखने पड़ेंगे जीरो टू ट्वेंटी सेंटीमीटर का ब्लैंक ट्वेंटी टू थर्टी का ग्रीन थर्टी टू फोर्टी का रेड फोर्टी टू फिफ्टी का येलो फिफ्टी टू सिक्सटी का ब्लैक सिक्सटी टू सेवेंटी का व्हाइट सेवेंटी सेंटीमीटर एंड अब का ब्लू अब ये क्वेश्चन वो रिपीट भी कर सकता है या फिर वो एक दो तीन चार पांच छह अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन वो आपसे पूछ भी सकता है ठीक है वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो डायमीटर है ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर वो किस कलर से रिप्रेजेंट होता है ग्रीन से होता है रेड से होता है येलो से होता है ब्लैक से होता है व्हाइट से होता है इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन जो है वो टाइप ऑफ ग्रीन हाउस के ऊपर है तो बेसिकली यहां पर क्या है कि एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है जिसके पास आपने एग्रो नेट्स से उसको कवर कर दिया है या कोई वोवन मटेरियल है सिला हुआ मटेरियल है अब ये एग्रो ट की खासियत क्या है कि सनलाइट मॉइस्चर एयर वगैरह सब जो है इस नेट के थ्रू क्योंकि नेट में हल्के हल्के होल्स होते हैं ना नेट के थ्रू पास कर रहा है जिससे एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो रहा है प्लांट ग्रोथ के लिए तो आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ये किसकी है शेड नेट ग्रीन हाउस पॉली हाउस हाइड्रोपोनिक्स ग्रीन हाउस ये मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहां पर ये ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया इसको नन ऑफ दी अब कर लेना ये मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स और पॉलीहाउस वगैरह तो देखो हो ही नहीं सकता आंसर इसमें है ना तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए शेड नेट होगा तो शेड नेट कुछ इस तरीके से होते हैं इस तरीके का हम एक नेट यूज करते हैं जिसके अंदर बहुत होल्स होते हैं ठीक है और इसकी वजह से जो भी सनलाइट मॉइस्चर एयर वगैरह सब इन होल्स के थ्रू गैप्स के थ्रू पास करता है तो एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है जो आपका प्लांट ग्रोथ के लिए जिसको यूज किया जाता है इसको शेड नेट नेट हाउस हाउस या भी बोला जाता है ठीक है जो आपका शेड हाउस होता है शेड हाउस शेड नेट हाउस नेट हाउस कुछ भी बोल लो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था यह आईबीपीएसओ में पूछा गया था पिछली बार ठीक है क्योंकि बच्चे इस डायरेक्शन में ज्यादा जाते नहीं है इसमें ट्री आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली ये क्वेश्चन था आपको डिस्क्रिप्शन दे दी थी, थी कि ये एक एवरग्रीन ट्री है कॉनिकल शेप में होता है ठीक है डार्क ग्रीन और सिल्वरी लीव्स होती हैं स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं कूल cool टेम्परेचर में ग्रो करते हैं तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में ट्रीज क्योंकि ट्रीज बहुत सारे हैं ठीक है दो दिदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज है लेकिन अगर नहीं भी पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चन में तुक्के मत लगाना छोड़ करके आ जाना आंसर इसका दिदर है ठीक है एवरग्रीन कॉर्नीफॉरेस्ट ट्री है फोर्टी टू फिफ्टी फीट की इसकी हाइट होती है ठीक है एंड ट्रंक जो है तीन मीटर तक की थिक होती है एंड कॉन फॉर्म्ड क्राउन होता है इसका जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है ना कॉनिकल तो कौन आ गया एवरग्रीन वाला यहाँ पर हमारा मिल गया है ठीक है जी एंड ब्रांचलेट्स इसकी हैंगिंग होती हैं, नीडल लाइक इसकी लीव्स होती है ओके ढाई से पांच सेंटीमीटर लंबी एंड एक समय तक ये सात सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है एंड जो इसकी शेडिंग्स होती हैं वो ब्रिलियंट ग्रीन से ब्लू ग्रीन तरह की शेडिंग्स जो है ये फॉर्म करता है लैंड के ऊपर बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अब पेपर के पास जो बच्चे हैं वो ऐसा ना करें कि वो सारे ट्रीज की डिस्क्रिप्शन पढ़ने लग जाएं क्योंकि उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए अब अगर ऐसे टाइम पर आपका ये टॉपिक ऐसा प्रिपेयर नहीं है कि डिफरेंट ट्रीज की डिस्क्रिप्शन आपको पता है इंपॉर्टेंट ट्रीज जैसे शीशम हो गया दियोदर हो गया बहुत सारे ट्रीज हैं ऐसे ठीक है तो उसमें अब मत जाना क्योंकि उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो अच्छा नहीं है वो आपका टाइम बहुत खा जाएगा लेकिन उसमें से क्वेश्चन आए ना आए कोई गारंटी नहीं है ऐसे क्वेश्चन है आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वो ऑर्गेनिज्म जो वाइडर रेंज ऑफ सेलिनिटी को विथस्टैंड कर सकते हैं यानी कि सेलिनिटी कम ज्यादा हो रही है फ्रेश वाटर सेलाइन वाटर ब्लैकिश वाटर ठीक है तो उसको विथस्टैंड कर सकते हैं वो तो इसमें आपके ऑप्शन है स्टेनोहेलाइन यूरी हेलाइन ऑलिगोहेलाइन एस्ट्योराइन नन ऑफ दीज ठीक है जब हम फिशरीज का टॉपिक करते हैं तो बेसिकली हम इसको समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वाटर बॉडीज में स्पेसिफिकली तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी

ठीक है अब जैसे ग्रीन क्रैब है ग्रीन क्रैब एक यूरीहेलाइन हेलाइन इनवर्टिब्रेट है ये सॉल्टी वाटर में भी रह सकता है ओशन वाटर में भी रह सकता है और ब्रैकिश वाटर जो सॉल्ट ओशन वाटर के मुकाबले कम सॉल्टी होता है ठीक है वहां पर भी रह लेगा तो इन लोगों के ज्यादा नखरे नहीं है एडजस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरीहेलाइन फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर अब यहां पर अगेन डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये जो है ना ये इमपर्फेक्टली डेवलप्ड फीमेल है पहला पॉइंट ये रिप्रोड्यूस नहीं करते इन इन नॉर्मल सिचुएशन लेकिन सारी maternal instincts इनके पास होती हैं ठीक है ये डिफेंस मैकेनिज्म भी इनके पास रहता है एंड ये कॉलोनी के वेलफेयर के लिए काम करती है इम डेवलप्ड फीमेल है रिप्रोड्यूस नहीं करती नॉर्मल सिचुएशन के अंदर लेकिन सारे मेटरनल एक्सटिंक्ट होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता है और कॉलोनी के वेलफेयर के लिए काम करती है तो कौन सी बी है ये क्वीन बी वर्कर बी ड्रोन सोलिटरी बी नन ऑफ दीज अगेन सिंपल क्वेश्चन है ठीक है लेकिन किसी ने अगर बी के बारे में पढ़ा ही नहीं है पेरी के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली मुश्किल है एप्रीकल्चर के बारे में अगर पढ़ा ही नहीं है तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों आपका वर्कर बी ठीक है तो वर्कर बी के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल देखो इसी डिटेल की मैं बात कर रहा था ये डिटेलिंग बहुत जरूरी है चाहे आप सारे ऑप्शंस की डिटेलिंग में मत जाओ लेकिन जो आंसर है एटलीस्ट उसकी डिटेलिंग के अंदर आपको जाना है ये बी हाइव की अगर हम बात करें तो बी हाइव के सबसे छोटे इनहेबिटेंट्स होते हैं साइज की अगर हम बात करें लेकिन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होते हैं साइज में सबसे छोटे लेकिन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है वर्कर भी एक हाइव के अंदर ठीक है एक कॉलोनी के अंदर पंद्रह सौ से लेकर के पचास हजार के नंबर में ये हो सकते हैं ये इनपरफेक्ट फीमेल्स हैं क्योंकि ये एग एग्लेइंग नहीं करते हैं ठीक है लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर जब कॉलोनी के अंदर क्वीन नहीं है कॉलोनी में क्वीन की जरूरत है उस केस में ये फिर से बीह की मदद करने आ जाएंगे ये बड़े अः एक तरह से बीह के रक्षक टाइप लोग होते हैं क्योंकि ये हर चीज से बीह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कॉलोनी को तो क्वीन नहीं है तो वर्कर्स क्या करेंगे वो एग्स लेइंग शुरू कर देंगे जिससे सिर्फ ड्रोंस प्रोड्यूस होंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि जो ये एग लेइंग कर रहे हैं उसमें से किसी को क्वीन बना देंगे नहीं ठीक है तो इनको लेइंग वर्कर्स भी कहा जाता है एंड जैसे ही नई क्वीन कॉलोनी को मिल जाएगी ये सारे जो ड्रोन हैं, ये सारे जो एग्स हैं, जो आपके वर्कर बी ने ले की हैं, इन सबको मार दिया जाएगा ठीक है इनको खत्म कर दिया जाएगा एज सुन एज द क्वीन इज इंट्रोड्यूस्ड ये नेचर के लॉज हैं इसमें क्यों होता है क्यों नहीं होता इन सब में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है और एक वर्कर का जो लाइफ स्पैन होता है अगर एक्टिव सीजन है तो चार हफ्ते का अगर इनएक्टिव सीजन है या लेस एक्टिव सीजन है सो तो आठ से दस हफ्ते का रह सकता है हजार से पंद्रह मीटर इनकी फ्लाइट रेंज होती है ठीक है वर्कर जो बी है इनमें डिवीजन ऑफ वर्क का फंडा चलता है ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ठीक है अब जो डिवीजन होती है ना वो बी की एज के हिसाब से होती है और कॉलोनी की नीड्स के हिसाब से ठीक है अब जैसे जो यंग बीज है वो क्लीनिंग सेल्स ठीक है ओल्डर लार्वे को फीड करना ये सारे काम वो करेंगे जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे जब ये यंग बीज थोड़े बड़े हो जाएंगे इनके अंदर एक ग्रैंड ग्लैंड डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोफेरिनेजियल ग्लैंड ठीक है ये क्या है ये एक रॉयल जेली इस ग्लैंड से प्रोड्यूस करते हैं और ये जो जेली होती है ये यंग जो लार्वा होता है उसको फीड करने में काफी हेल्पफुल रहती है और इसी वजह से इन बीज को नर्स बीज भी कहा जाता है अब देखो वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लेइंग वर्कर बी नर्स बी किस बी को कहा जाता है नीचे आपको चार ऑप्शन दे दे तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा वर्कर बी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है करनी ताकि अगर उसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको ठीक है दो से पहले दो से अट्ठारह दिन जो इनकी लाइफ के होते हैं वर्कर बीस के ये इंडोर ड्यूटी करते हैं हाइव के अंदर ही जैसे कॉम्प कंस्ट्रक्शन एंड वैक्स वैक्सिकेशन वगैरह एंड उसके बाद फिर वॉट जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको खाना कलेक्ट करने का पॉलन नेक्टर वाटर कलेक्ट करने का काम जो है वो मिल जाता है तो ये सारा वर्कर भी इसका डिवीजन रहता है वर्क अकॉर्डिंग टू द साइज द स्ट्रेंथ ठीक है एज सारे फैक्टर्स को उसमें कंसीडर किया जाता है एंड विद डन विदाइव क्वेश्चन फॉर एग्रीकल्चर पी वी आई क्यू पार्ट नाइन इसी तरीके से कोशिश रहेगी कि पेपर से पहले पहले काफी सारे पी वी आई क्यूज हम दोबारा से रिवाइज कर लें एंड अगर कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे या मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी फटाफट से कर दो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन टेक केयर एंड बाय